हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में, जिसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म को मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप वर्सेस प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉप में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज पॉप? पॉप का मतलब होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे नाम से पता चल रहा है, ये एक प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल है, एक पैराडाइम है, एक पैटर्न है, जिसपे ज़्यादातर बेस जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोसीजर पे होती है। प्रोसीजर को हम एक फंक्शन या एक रूटीन भी बोल सकते हैं, यानी कि जिस सिस्टम में या फिर जिस तरीके से प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है या उसमें क्या क्या फंक्शंस रन हो रहे हैं, वो एक डिफाइंड पैटर्न होता है कि पहले हमारा पैटर्न ए चलेगा, फिर बी, फिर सी। यहाँ पर हम पूरे प्रोग्राम का जब भी एग्जीक्यूशन होता है, प्रोसीजर को हम कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पर अगर हमें जब भी कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है तो उसकी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं, जिन्हें फंक्शंस भी बोलते हैं, और उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं और उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं ताकि वो एक सीक्वेंस में सॉल्व हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले, पहले हमने एक इनपुट लिया यूज़र से, फिर हमें उस इनपुट पे जो भी कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन करना है, जो भी हमें उसके ऊपर चेंजेस करने हैं वो करते हैं, और फाइनली हमारा जो आउटपुट है, जो डेटा है, वो स्क्रीन पे शो होता है। ये स्टैंडर्ड तरीका है प्रोग्रामिंग करने का और कन्वेंशनल तरीका भी है। बेसिक हमारी जो सी लैंग्वेज है, जो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो इसी प्रोग्रामिंग पैटर्न पे बेस्ड थी। अब बात करते हैं ऊप के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं। मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन करा है, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये भी एक प्रोग्रामिंग का पैटर्न है, एक डिज़ाइन है, एक पैराडाइम है, जिसपे प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होती है। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब है एक रियल लाइफ एंटिटी, यानी कि रियल में जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उस पे बेस्ड होते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ज़्यादा हम रिलेट कर सकते हैं हमारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, जो कि प्रोसीजरल ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग में नहीं होती थी। इसके अंदर ज़्यादातर हमारा जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट्स पे होता है, उन्हीं पे ही कैलकुलेशन होती है और मैनिपुलेशन होती है, और वो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्ट्स पे है, ना कि फंक्शंस या प्रोसीजर पे। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक करते हैं और उसमें दिखाते हैं उसका बिहेवियर क्या है और वो क्या क्या डेटा यूज़ कर रहे हैं इंटरफेस की मदद से। यहाँ पर मैंने एक बेसिक डिफरेंस चार्ट दिखाया है ऊप और पॉप के बारे में। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स के अनुसार, और पॉप में हम उसको डिवाइड करते हैं फंक्शंस के अनुसार। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंस डेटा को दी जाती है, और प्रोसीजरल ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो इंपॉर्टेंस है वो फंक्शंस और सीक्वेंस को दी जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। ऊप के अंदर स्पेसिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसे जैसे पब्लिक है कि प्राइवेट है। अगर हमने पब्लिक डिफाइन करा तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर हमने प्राइवेट डिफाइन करा तो उसी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाएंगे सिर्फ वही उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। बट पॉप के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं। ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट्स किसी भी फंक्शन में फ्रीली मूव करते हैं, और पॉप में डेटा मूव करता है फ्रीली फंक्शन, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक। जो ऊप है वो ज़्यादा सिक्योर है पॉप से। ऊप के अंदर ओवरलोडिंग पॉसिबल है, पॉप में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलोडिंग क्या होता है? हम एक ही तरीके, एक ही फंक्शन को यूज़ करके काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ऊप और पॉप के। ऊप के एग्जाम्पल हैं जैसे C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक्स है, C# है, रूबी है, और पॉप के एग्जाम्पल है सी, एल्गोल, कोबोल, बेसिक और पास्कल। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आपको पता चल रहा होगा जो पॉप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो प्रिमिटिव है, यानी पुरानी है। आज के ज़माने पॉप का इस्तेमाल कम होता है कंपेयर टू ऊप, क्योंकि ऊप मैंने आपको जैसे पहले बताया ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड है, रियल वर्ल्ड एंटिटी पे बेस्ड है। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड में होती है हम उसको ऊप में इजीली सॉल्व कर पाते हैं, इजीली लिख पाते हैं। पॉप में उसको लिखना इतना आसान नहीं है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें प्रोग्रामिंग करने के तरीके में, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कंपेयर करते हुए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।